वेलकम टू द ट्रेवल थ्रेचा। दिल्ली की सैर करवा चुकी हूँ मैं आपको, अब मैं करवाती हूँ आपको चांदनी चौक की सैर। चांदनी चौक का किस तरीके से घुमा जाए कि सब कुछ कवर हो जाए और मज़ा भी आ जाए। मैं वहाँ पे ऐसे किसी शॉपिंग की उससे नहीं गई थी, बट ये मैं जामा मस्जिद से अब निकल रही हूँ चांदनी चौक की तरफ रिक्शे में बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे जाने में। तो ये चांदनी चौक आ गया है एंड चांदनी चौक में आपको बहुत भीड़ मिलेगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से और सोच समझ कर आए कि हाँ यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। यहाँ पे खाने पीने का, शॉपिंग का सब कुछ है, तो और लेडीज़ को क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि हो जाए मस्ती, कि खाना पीना भी हो और शॉपिंग भी हो। यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह का बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी पॉकेट कट ना हो जाए। अब हम चलते हैं पराठे वाली गली। आप शॉप देख सकते हैं, टिपिकल एक जो होता है ना पुराना शहर, वो है ये। हमारे साइकिल रिक्शा वाले भैया थे, आपने देखा ना कितने एक्साइटेड थे वो हमें चांदनी चौक घुमाने के लिए। तो अभी हम पराठे वाली गली की तरफ जा रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं बहुत होती है एंड ये कुछ बाबूराम पराठे वाले हैं, दो तीन पराठे वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बट हमें यहाँ पे जगह मिल गई तो हम वहाँ पे चले गए। आप और तो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने की शॉप्स के अलावा शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। दूसरे पराठे वाले एक और थे इनके यहाँ, तो भैया इतनी मुझे लगा कि नहीं है भीड़, चलो चलते हैं। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला भाई देखो पीछे तक, तो पीछे तक ये आप लाइन देख सकते हैं ना, वो थी यहाँ पे। बट अगर आपको फ्राइड पराठे पसंद है तो बिल्कुल ये जगह आपके लिए है। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है, मुझे पराठे ठीक लगे थे, डिफरेंट टाइप के थोड़े से पराठे हैं तो आपको मज़ा आएगा खाने में। ये है पराठे, और पराठे के साथ मिलता है इतना सब कुछ, चटनियाँ, कद्दू की सब्ज़ी, तो मुझे मज़ा आया। ऑल्दो यहाँ पे अब ये देखिए शॉप से झुमके हैं और ये झाल मुड़ी मिल रही है, शेक्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ है। शादी की शॉपिंग के लिए तो पैराडाइज है ये, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि लहंगे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप देख रहे हैं ना हर जगह पे कुछ ना कुछ खाने पीने का है यहाँ पे। ये जो स्ट्रीट फूड होता है ना ये बहुत ही अच्छा होता है, ये ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ से बाहर निकल के ना कुछ पाइनएप्पल वाले भी थे जो फ्रेश पाइनएप्पल काट रहे थे, वो भी खा सकते हैं। ये हम आए थे काके दी हट्टी पे, इसके पास वाले पे शेक्स बड़े अच्छे मिल रहे थे, वो हमने पिया है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना तो बड़ा मज़ा है। रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद थी, अंदर नहीं गए थे लेकिन हाँ बाहर से हमने देखा था। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं। ऑल तो जाम नहीं था जब मैं गई थी, मूविंग ट्रैफिक था इससे मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। तो ये देखिए लहंगे, तो कहा ना मैंने कि शादी के शॉपिंग के लिए तो भैया पैराडाइज है, तो अगर किसी की शादी तो वो यहाँ पे आराम से आ सकता है। तो पूरा एक चांदनी चौक का राउंड लगाते हुए जो छोटी छोटी गलियाँ सारी ऑब्वियसली कवर नहीं की, लेकिन जितना कर सकते तो उतना हमने कवर किया, बहुत मज़ा आया मुझे बैठी। अगर आप ऐसे ही ट्रैवलिंग व्लॉग्स और देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मेरा तो ट्रिप अब ओवर हो गया है चांदनी चौक का, अब मैं जा रही हूँ। आप देख सकते हैं सामने लाल किला है, जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लाल किला घूमते हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टू माई चैनल।